अच्छा जी, तो मैं अभी अभी घर आया हूँ, और जब मैं घर आया हूँ तो मुझे एलिगेंस की तरफ से एक बॉक्स मिला है। अभी क्यों आया है, कैसे आया है, इसके पीछे कहानी है, वो शुरू करते हैं। भाई सीधे बोलो मेरे भाई, अगर आप थोड़े वक्त की कदर करें तो बता दें आप कहाँ पहुँचे हैं, कब तक आपको लेना है, जाना कहाँ है ये बता दो ताकि वहाँ ले मुझे। यार मैंने अभी ना एक गिफ्ट चाहिए मुझे, किसी को देना है कुछ। किसके लिए चाहिए यार, ये सवाल जरूरी है कि हर कोई पूछ रहा है किसके लिए चाहिए। भाई सवाल स्टार्ट किया था, सवाल पूछना चाहिए, 14 फरवरी भी करीब है। अच्छा जी, तो सिलसिला भी है कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए और ये लोग पीछे पड़े हुए कि बता दो किसके लिए चाहिए, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन हमें कुछ गिफ्ट चाहिए और अभी हमें पता नहीं है कि हमें लेना क्या है, तो ये भी नहीं पता कि लेना कहाँ से है वो हम ढूंढ रहे हैं। अभी तक डिसाइड तो नहीं हुआ है कि हमें कहाँ जाना है और हम क्या लेने वाले हैं, लेकिन अभी पेट्रोल भरवाने हो जाएगा, हो जाएगा डिसाइड। 5 मिनट दो मुझे, 5 मिनट। ये हमारा सर्च इंजन लगा हुआ है, मुझे ये पता केक चलेगा। हाँ ये बहुत अच्छी बात की आपने, अरे केक तो कहीं से भी मिल सकता है ना, इसमें इतने घंटे में सोच ढूंढ के तुम केक निकाल लो। जी अच्छा, हम जब अंदर जा रहे थे तो पहले तो हमें गार्ड ने रोक लिया यहाँ पे कि सर अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। और उसके बाद जब अंदर हम चले गए तो अंदर मैं एक शॉट ले रहा था, तो वहाँ पे उनके मैनेजर आके उन्होंने कहा सर माजरा था लेकिन अलाउ नहीं है। तो ये अलाउ वाला सिस्टम समझ नहीं आता कि हम क्या कर लेंगे, मतलब कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ये बहुत सारे लोगों के लिए पैगाम है और उसको फॉलो करें। एक एलिगेंस के नाम से है ये, मैंने देखी थी, इनके बहुत सारे एड्स आते हैं। यार अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि हमें क्या लेना है, उमेर ने एक स्टोर बताया ऑनलाइन कि वहाँ से कुछ ले लो। जी आपको पता ही होगा कि अक्सर आप जिस चीज़ की बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, तो वो अक्सर आपके इंस्टा पे फेसबुक पे आपको दिखने लगता है, उसके एड्स वगैरह दिखने लगते हैं या उससे रेलेवेंट चीज़ आपको दिखने लगती है। तो अभी हम एक जिस स्टोर की बात कर रहे थे, उमेर ने बताया कि यदि एलिगेंस कोई स्टोर है ऑनलाइन, अभी हम उसकी बात कर रहे थे तो आपको दिखाते हैं आगे हुआ क्या। इस पूरे सीन के चक्कर में पूरी गाड़ी दोबारा घुमा के लाए, ये पूरा हम यू टर्न बनाया हमने इतना लंबा और वापस आए सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि AI हमारी कितनी एडवांस हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अभी जिस स्टोर की बात कर रहे थे वो उसके बिलबोर्ड भी लगा हुआ है। भाई अभी जिसकी हम बात कर रहे थे उसका बिलबोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, एलिगेंस स्टोर सेलिब्रेट वैलेंटाइन मना रही है, इसे मिल जाएगा भाई। अब मुझे लगता है ये हो जाएगा काम अपना यहाँ पर। AI वाला तो आपने देख लिया बिलबोर्ड जो लगा हुआ था, खैर ये तो मजाक था, और लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इस तरह की चीजें हो जाएं। क्या कहते हैं डिजिटल बिलबोर्ड लगे हुए और आप वहां से गुजर रहे हैं, और मुझे लगता है वक्त दूर नहीं है, 1-2 साल और कि डिजिटल बिलबोर्ड लगा हो। 2-3 कर लो। प्लान ये हो गया है कि हम जा रहे हैं दी एलिगेंस स्टोर, बेसिकली स्टोर नहीं उनका ऑफिस है, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप विजिट कर सकते हैं, आके देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ आती है तो आप ले सकते हैं वहाँ से आके। तो अभी हम आ जा रहे हैं क्योंकि मुझे पर्सनली, मैं आपको बताऊँ तो मुझे भरोसा नहीं होता कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे, क्योंकि कई दफ़ा मेरे साथ एक्सपीरियंस बड़े ख़राब हुए हैं। तो अभी ये है कि मैं जाके देखूंगा और फिर कुछ अगर समझ आता तो वहाँ से लेते हैं। भाई जी एक बात तो बताएं, हाँ यानी आप गिफ्ट तो बता नहीं रहे कि गिफ्ट किसको देना है आपको, लेकिन आप ये तो बताते हैं कि प्यार क्या है। प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मुझे उसे अस्सलाम वालेकुम, विजिट करना था स्टोर जी। ये कैंसिल है, अलाउ नहीं है सर। यार पूछ के ही आए। नहीं सर अभी अलाउ नहीं है। हुआ ये कि यहाँ पे इन्होंने हमें गार्ड ने रोक लिया था कि अलाउ नहीं है कैमरा यहाँ पे, लेकिन दे आर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने हमें बुला लिया कि नहीं नहीं आप आ जाइए और हम आपको पूरा स्टोर का विजिट देते हैं अपना। तो अभी अलाउ हुई है और विजिट करते हैं ऊपर जाके। अभी अलाउ है सर। थैंक यू सर। अभी अलाउ हो गया भाई। सॉरी आपको गार्ड ने रोक दिया था, उनको फिर पता नहीं था। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मतलब नहीं। सेटअप इन्होंने बड़ा अच्छा लगाया हुआ है और इनसे इन्हीं से पूछ लेते हैं। एक बास्केट मुझे पहले नज़र आ गई है यहाँ पे, जो जो हम सोच रहे थे कि हमें लेना क्या है, लेकिन उसमें है क्या पता कर लेते हैं। ये हमारी 5 सेंसेस बास्केट है, विच वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, टेडी बेयर्स की पूरी कलेक्शन है यहाँ पे। वैसे तो हम लोग एक ऑनलाइन गिफ्टिंग स्टोर है, बीइंग वैलेंटाइन डे बीइंग आवर बेस्ट
सेलिंग सीजन, दैट इज द रीजन वाई हमने एक मिनी स्टोर का सेटअप क्रिएट किया है फॉर आर कस्टमर्स जो वॉक इन आना चाह रहे होते हैं और देखना चाह रहे होते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स को और एक दफ़ा फिर ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे होते हैं यहीं पर फिजिकली। अच्छा, ये इसमें आप ये कितने दिन में डिलीवर करेंगे अगर मैं आज ऑर्डर दूँ इस चीज़ का? सेम डे डिलीवरी भी पॉसिबल है, अगर आपको मिडनाइट डिलीवरी चाहिए 13 फरवरी को तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, डिलीवरी भी करते हैं। 13 फरवरी को करवाना चाहते हैं मिडनाइट डिलीवरी तो वो भी हो सकती है। भाई आ चुके हैं और काजिम भाई के साथ जा रहे हैं हम ये विजिट करने के, ये लैम्प शैम जहाँ बन रहे हैं ये असल में यहाँ बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे ये देख लेते हैं अभी जाके इनके साथ। ऑर्डर जब पंच हो जाता है ना उसके बाद वो प्रोडक्शन वगैरह को असाइन हो जाता है, ये सारे अपने आ रहे हैं क्योंकि जो लड़के ये पैकिंग पे इनके पास डेटा आ जाता है इसलिए इनको पता है सारे बास्केट्स इनके पास पूरी लिस्ट वगैरह होती है किस तरह की चीज़ें पैक करनी है सही, ये पैक करके उनको क्या कहते हैं अंदर वापसी करते हैं, वो अलॉट करते हैं कि किस राइडर के थ्रू जानी और नीचे लॉजिस्टिक्स पर ट्रांसफर कर देते हैं और फिर लॉजिस्टिक्स उसको मजीद आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए इतने ऑर्डर आ कहाँ से मतलब? अरे आपको तो पता है आजकल तो सबकी गर्लफ्रेंड होती है, सबकी मोहब्बत, सबके नहीं होते लक्ष्मण। एक्रेलिक पे भी हो सकता है और वुडन पे भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों पर हो सकता है, फाइबर पे हो सकता है, ये प्लास्टिक के ऊपर हो सकता है और हर तरह की इसके जो सरफेस होती है प्लेन सरफेस होती है उस पर भी हो सकता है और राउंड सरफेस होती है उसके ऊपर भी हो सकता है। यार ये इन्होंने मून लैम्प रख दिया है यहाँ पे और उसके ऊपर ये इंग्रेव करेंगे अभी, तो सीन ये है कि ये इन्होंने ख़ास तौर पर सिर्फ हमारे कहने पर रखा है। ये तैमूर भाई है और इन्होंने कहा है कि हमारा स्लोमो बनाए, अब इनका स्लोमो होगा। अच्छा जनाब, तो बात यह है कि अभी हमने इनका पूरा सेटअप विजिट किया है और आप ये समझ लें कि इन्होंने यहाँ पे एक छोटी फैक्ट्री लगाई हुई है, जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो सब यहीं पे हो रही है। अच्छा, काजिम भाई ने बताया कि यहाँ पे इनके सीजन में जो ये स्पेशल डेज होते हैं इसमें इनके 1000 के करीब तक ऑर्डर्स आते हैं पर डे के, और उससे मज़ेदार बात यह है कि ये सारे एक ही दिन में डिलीवर होते हैं, तो ये कमाल बात है यार। अच्छा जी, तो अभी हम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में आ चुके हैं और फहद भाई हमारे साथ हैं, तो फादर ये मुझे ज़रा बताएंगे आप ये क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे सारा? अच्छा, ये होता है कि पार्सल्स आप प्रोडक्शन एरिया के बाद हमारे पास आते हैं पैक हो गए यहाँ पे लॉजिस्टिक एरिया में, यहाँ पे हम लोग इन सारे पार्सल्स को डेट वाइज अरेंज करते हैं, मुख्तलिफ डिलीवरी पार्टनर्स हैं हमारे, उनके ज़रिए फिर हम डिलीवरी निकालते हैं। जो कराची के मिडनाइट के ऑर्डर्स हैं वो हमारे स्पेसिफिक राइडर्स के ज़रिए जाते हैं, जिसमें केक और बुकेज भी इंक्लूडेड होते हैं पार्सल्स के साथ। अच्छा फादर, ये फ्रेश बुके जो है ये ख़राब नहीं हो जाएगा 14 फेब तक? अच्छा सर, इसमें यह है कि हमने इसको सॉर्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे रैक पे ना, तो इसके अंदर फ्रेश बुके नहीं है, फ्रेश बुके हमारे पास उसी टाइम आएगा जैसे 14th की मिडनाइट हो, यानी 13th की रात 12 बजे इसको हम फ्रेश बुके के साथ डिस्पैच करेंगे। ओके, इसलिए यहाँ सॉर्ट हुआ है। अच्छा, इन्होंने पहले से बॉक्स बना के रखे हुए, सिस्टम चल रहा है फुल यहाँ पे ना? जी। अच्छा जी, तो हम दी एलिगेंस के ऑफिस से निकल गए और हम आ गए ज़मीन अंसारी, अभी कुछ खाएंगे, लेकिन वहाँ जो हमने विजिट किया वो बड़ा हमारा प्रोडक्टिव विजिट रहा और बड़ा अच्छा था और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है उनका, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन उन्होंने काफ़ी चीज़ें उन्होंने दिखाई और गार्ड ने हमें उनके रोक लिया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम आपको विजिट कराते हैं पूरा, हम बाकायदा आपको डिपार्टमेंट दिखाते हैं कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे चीज़ें डिलीवर होती हैं, कैसे आता है इन्वेंट्री आती है, सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई और काफ़ी मैसिव अमाउंट पर वो काम कर रहे हैं। एक चीज़ में बहुत डाउट था कि वो कहते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है सेम डे डिलीवर हो जाता है और मिडनाइट भी डिलीवर हो जाता है, तो वो हमें देखना है, हमें दो ऑर्डर किए हुए, एक तो दाल भाई ने ऑर्डर किया है, एक मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो देखते हैं जो मेरा ऑर्डर है वो आ जाना है, तो देखते हैं कब तक आता है, टाइम पर आता है टाइम के बाद आता है, तो ये चीज़ हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे जब ऑर्डर आएगा। अभी हम खा रहे हैं खाना। जी, उमेर भाई जा चुके हैं और हम भी घर पहुंच गए, आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो मिलते हैं फिर आपसे। इंग्लिश में छोड़ दो।